तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। ये जो नानी और दादी के रिश्ते होते हैं ये बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं, ये नसीब वालों को मिलते हैं। ये गीदड़ आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, क्या छुप छुप के नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे? ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का, तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। ये जो धमकियां है ना ये किसी और को दे। ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतजार फैलाए। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है डरपोक आदमी, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। अगर गद्दारी खेलना है तो एक फॉरेन फंडिंग का फैसला होगा, तुम्हारी गद्दारी की दास्तानें पूरी दुनिया बताएगी। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। आइंदा ना बिरयानी ना कीमे वाले नान, जनरल आसिम सलीम बाजवा के पिज्जा से आपकी तवाज़ो की जाएगी। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए।